हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ जिला इकाई हमीरपुर की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई, जिसका संचालन महासचिव शंभू राम जसवाल द्वारा किया गया। बैठक में पेंशनरों की मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्तमान सरकार द्वारा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में पेंशनरों की मांगे पूरी करने में टालमटोल करती रही है और झूठी घोषणाएं कर पेंशनरों के साथ कुठाराघात किया गया है, जिससे सरकार की करनी व कथनी का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। वह सरकार की पेंशनर विरोधी नीतियों की पोल खुल गई है। हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ महासचिव युवराज शर्मा ने बताया कि बैठक में पेंशनरों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्तमान सरकार द्वारा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में पेंशनरों की मांगें पूरी करने में टालमटोल करती रही है और झूठी घोषणाएं कर पेंशनरों के साथ कुठाराघात किया गया है, जिससे सरकार की करनी व कथनी का अंतर स्पष्ट होता है। वो सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों की पोल खुल रही है। पेंशनरों में सरकार की इस नीति के प्रति रोष पनप रहा है कि हमने गत वर्ष सितंबर 2016 में फिर सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा था और उस मेमोरेंडम के रिएक्शन में जेसीसी की मीटिंग बुलाई। जो हमारा मेमोरेंडम था उसमें हमारी मुख्यतः मांगे थी कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अपने प्रदेश के पेंशनर को 5, 10 और 15% जो थी वो उनकी बेसिक पेंशन में वृद्धि करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हमारे मेमोरेंडम के बावजूद भी सरकार ने हमें आश्वासन तो दिए हैं। कई बार सीएम साहब से हम मिले, उन्ना में मिले हैं या हम शिमला में मिले, लेकिन आश्वासन ही मिला, लेकिन आज तक वो प्रैक्टिकल रूप में बात नहीं आई है। हम बहुत जल्दी हिमाचल पेंशन कल्याण संघ की कोर कमेटी की बैठक बुलाने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्शन चाक आउट करेंगे। अगर सरकार ने हमारी इन बातों को अगली जो उनकी कैबिनेट मीटिंग है सरकार की उसमें पास नहीं होती है हमारी जो मांगे हैं, तो हम कोई एक्शन लेने के लिए विचार करेंगे। और विशेष करके हम शिमला में ही सरकार के विरुद्ध ये प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं। इसके अतिरिक्त हम सरकार से बहुत गिला है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तो अपने घोषणा पत्र में ये पार्टियां जो हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, वो वायदे करती हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इन मुद्दों के ऊपर हम आपसे बात करेंगे और आपको प्रदान करेंगे, लेकिन खेद की बात है कि बार बार आग्रह करने पर भी सरकार जो है वो हमारी मांगों को नहीं मान रही है। और बहुत जल्द हम इसका एक्शन लेंगे, जिसके लिए सरकार ही उत्तरदायी हो।